हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा एक बात पूछूं, सर सच बताना, आज का ये फुटबॉल मैच क्या मैं इस ड्रेस में मोटी लग रही हूँ? नहीं नहीं सच्ची, मतलब पतली लग रही हूँ? नहीं नहीं, दो दो की गोल से बराबरी पर है। ओ गॉड, और क्या नहीं लगा के रखा है, मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? जाना तुम बहुत अच्छी लग रही हो, देखना पार्टी में सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। ब्राजील के खिलाड़ी बहुत तगड़ा। अरे ये क्या लगा रखा है फुटबॉल कमेंट्री, बंद करो यार, सॉन्ग लगा दो। प्लीज शिखा, तुम्हें पता है जो हॉलैंड का कितना इम्पोर्टेंट मैच है, अगर आज हॉलैंड नहीं जीती तो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, सो प्लीज। और वो मैच बहुत ही रोमांचक होता है जब दोनों टीमें पेनल्टी शूटआउट में पहुंच जाए। जी हाँ, दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त। ये कार को अचानक क्या हो गया? जरूर तुम पेट्रोल भरवाना भूल गए होगे। नहीं, कल ही तो मैंने टैंक फुल करवाया था। अरे ये क्या, एक साथ सारी गाड़ियां खराब हो गई? हाँ, सड़क की सारी बत्तियां भी गुल हो गई है। हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या कब से? ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? किसी महेश का फोन था, कह रहा था उसका बेटा रोहित कल रात से घर से गायब है। आप लोग सीआईडी से? जी हाँ। आप लोगों ने हमें फोन किया था? हाँ जी जी। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। प्लीज आप होइए मत, क्या हुआ कि आपके बेटे को? कल रात हम अपने रिश्तेदार के आ गए थे, तब हमारा बेटा रोहित ही घर पे ही था, मगर सुबह जब हम यहाँ लौटे तो देखा वो यहाँ नहीं है, घर का पूरा कोला कोला चाल मारा। चुप हो जाओ। मगर हमारा बेटा। आप लोग रात भर रिश्तेदारों के यहाँ ही रुके रहे? हमारे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमें वही रुकना पड़ा। तो रात कितने बजे गए थे आप लोग यहाँ घर से, और आज सुबह कितने बजे लौटे? हम लोग करीब रात में 9 बजे गए थे और सुबह 8-9 बजे आए थे वापस। तो करीब 12 घंटे तक आपका बेटा, क्या नाम बताया? रोहित। रोहित, 12 घंटे तक आपका बेटा घर में अकेला था? नहीं साहब, वो अकेला नहीं था, मैं थी उसके साथ। 12 बजे तक अपने रूम में ही था रोहित, फिर मैं सोने चली गई और फिर जब मैं सुबह उठी तो वो घर पर नहीं था। आप कौन? ये नीलम, हमारी गैर मौजूदगी में रोहित का ख्याल यही रखती है। आपने कोई आवाज नहीं सुनी चीखने चिल्लाने की? नहीं साहब, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, रात के समय सब दरवाजे बंद किए थे, फिर पता नहीं कोई कैसे अंदर आ गया। जरा रोहित का कमरा देख सकता? सर आइए, ये है रोहित का कमरा। ओहो, लगता है आपका बेटा महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, ये उसका फेवरेट सीरियल है और इसका एपिसोड कभी मिस नहीं करता। कैंपिंग का सामान को देखकर लगता है कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी काफी दीवाना है। हा? जी, बहुत पसंद था उसे। कल रात की खिड़की खुली थी या ऐसी? जैसा कि साहब बताया था कि रात को खिड़की दरवाजे बंद ही रहते हैं, मगर अब ये खिड़की खुली है, इसका मतलब रोहित को जो भी यहाँ से लेके गया है वो इसी खिड़की से बाहर लेके गया। हुक, चलिए जरा बाहर चल के देखते हैं। जूतों के निशान शायद रोहित के होंगे।
पांच या छह नंबर के जूते होंगे। ये रोहित कितने नंबर के जूते पहनता था? छह नंबर। ये देखो गमले में ये जूते का निशान है, ऐसा लगता है किसी ने ऊंचाई से छलांग मारी है इसके ऊपर। छलांग मारते ही मिट्टी जूते पे लग गई और नीचे उतरने के बाद जमीन पे आ गई ये निशान। सर मगर यहाँ पे तो सिर्फ रोहित के जूते के निशान है, और कोई जूते के निशान तो है ही नहीं। अंकल, रोहित का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं। उसके सारे दोस्तों को फोन करके देखा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर ये नोट यहाँ झाड़ी में पड़ा मिला। सर नोट एक बार दिखाई जरा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा लकी नोट है, इसे तो मैं हमेशा मेज की ड्रॉअर में रखता था। आपको पूरा यकीन है कि यही वो नोट है? हाँ, ये देखिए, इस पे मेरे नाम का इनिशियल्स भी लिखा हुआ है। ये नोट वहाँ कैसे आया? सर राजेश, बुरा मत मानिएगा पर हमें ऐसा लगता है कि रोहित खुद घर छोड़ के गया है। ये आप क्या कह रहे, मेरा बेटा खुद घर छोड़ के भाग कैसे सकता है? देखिए मैम, रोहित के कमरे की खिड़कियाँ अंदर से बंद थी, फिर भी किसी ने खिड़की अंदर से खोली है। और अगर कोई यहाँ से रोहित के कमरे में चढ़ता तो कल रात बारिश हुई थी, उसके हाथों के या पैरों के निशान यहाँ दीवार पे होने चाहिए थे, मगर यहाँ दीवार एकदम साफ है और यहाँ जमीन पे रोहित के जूतों के निशान मिले हैं और किसी के नहीं। और ये नोट, तो ऐसा लगता है कि भागने से पहले रोहित ड्रॉर से पैसे निकाल के गया है। ये कैसे कह सकते हैं आप कि मेरा बेटा इतनी ऊंचाई से कूद सकता है? अब आप ही ने बताया था कि आपके बेटे को ट्रैकिंग और हाइकिंग का बहुत शौक है, तो हो सकता है ये हुक के जरिए रस्सी लगाकर वो नीचे उतर गया हो यहाँ से। अंकल रोहित को अकेले घूमना बहुत पसंद था, वो अक्सर शाम को हमारा क्रिकेट मैच छोड़ के यहाँ वहाँ जाया करता था। अकेले घूमता था कहाँ पे? वैसे तो उसने कभी बताया नहीं, मगर एक दिन मैं उसका पीछा करते करते पुराने किले के पास पहुँच गया था। पुराने किले के पास? क्या क्या करने जाता था वो वहाँ? सर वो महाराणा प्रताप का फैन था सर, शायद इसलिए जाता हो। हो सकता है कल रात भी रोहित पुराने किले में ही गया हो। मुझे तो लगता है सर ये रोहित महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा दीवाना है, इसीलिए वो यहीं पे खेलने आता होगा। हाँ फ्रेडी, वो सब तो ठीक है लेकिन इतनी रात को यहाँ क्यों आया होगा? जरूर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। हाँ ये तो है सर, वो देखिए ट्री हाउस। इसका मतलब ये ट्री हाउस रोहित ने अपने खेलने के लिए बनाया होगा। चलो देखते हैं। करण ऊपर जाके देखो। सर मयूर आसपास देखो। यहाँ से भी टूटा है और यहाँ से भी हाथापाई हुई है, शायद गुंडे रोहित को यहीं से उठा ले गए होंगे जबरदस्ती। सर ये कुछ बुक्स मिली है सबकी सब महाराणा प्रताप के बारे में। वाकई में महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन लगता है। सर यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं है, ठीक है देखते हैं। ये क्या? ये देखो, ये रोहित ने इस पेज पे निशान लगाया हुआ है, जरूर कुछ तो खास है इस पेज पे। इस पन्ने पे तो महाराणा प्रताप की तलवार के बारे में लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप की तलवार? बड़ी परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप की तलवार शहर के पुराने म्यूजियम में रखी जाने वाली है, चिमा म्यूजियम में। हो सकता है कुछ ना कुछ इस चिमा म्यूजियम में है। जाना पड़ेगा वहां पे। हेलो 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 एम्बुलेंस, हेलो। यहाँ पे इतनी भगदड़ क्यों मची? अंदर चल के देखते हैं। एम्बुलेंस, चिमा म्यूजियम से बात कर रहा हूँ, जल्दी आइए। आप? हम लोग सीआईडी से। बहुत देर कर दी आपने आने में, वो तो कब के भाग गए? भाग गए? कौन भाग गया? वही जिन्होंने म्यूजियम में डाका डाला। डाका? जी हाँ, और महाराणा प्रताप की शाही तलवार लेकर भाग गए। महाराणा प्रताप की तलवार? रोहित ने भी अपनी किताब में महाराणा प्रताप की तलवार पर निशान लगाया था। आप ये बताइए कि आप इसे जानते हैं, इसे देखा है कहीं? नहीं, क्यों? क्या ये बच्चा कुछ जानता है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन हो सकता है। चल
प्रकाश घबराओ मत, एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, बहुत जल्दी आ जाएगी। आपका घाव ज्यादा गहरा नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, एम्बुलेंस आ रही है। आप ये बताइए कि आप में से किसी ने भी उन लुटेरों के चेहरे देखे? नहीं साहब, उन लोगों ने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। नकाब पहना हुआ? साहब मैंने एक लुटेरे को गोली मार दी, वहां पर आया। हिम्मत रखो बेटा, आ रहे डॉक्टर आ रहे। ये तो मर चुका है। मुझे सजा तो नहीं होगी ना? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, अदालत इस बात को जरूर ध्यान में रखेगी, कुछ नहीं होगा आपको। ये फोन मिला है, पासवर्ड मांग रहा है। एक काम करो निकल, इसे हैकर के पास भेजो और चेक करो कि इस फोन के अंदर है क्या सब कुछ। सर तलवार की चोरी में और बच्चे रोहित के गायब होने में कुछ तो संबंध हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जब रोहित अपने ट्री हाउस में होगा तो उसने इन लुटेरों का सारा प्लान सुन लिया होगा और इसी वजह से वो उसे उठा कर ले गए। सर आवंश, सर ये देखिए। ये क्या है? सफेद पाउडर। इसे चेक कराना पड़ेगा। सर, सर मैंने शहर के सभी चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पे रोहित का फोटो भेज दिया है। अगर लोग उसे शहर से लेके बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तलवार की फोटो भी भेजो। सर वरना आप तलवार भी बाहर नहीं जानी चाहिए। सर मैंने शहर के उन सभी अमीर लोगों की लिस्ट निकाली है जिन्हें एंटिक सामान खरीदने का शौक है और जो उस तलवार में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। सबकी एक एक हरकत पे नजर रखो, रोहित के और तलवार के गायब होने में आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर ये फोन जो गुंडों की जेब से मिला था सर, इस पे आखिरी कॉल हीरानगर से आता सर। हीरानगर? फिर तो भाई आप लोगों को हीरानगर की हर एक मार्बल शॉप पर जाना चाहिए। मार्बल शॉप में क्यों डॉक्टर साहब? मार्बल शॉप पर इसलिए क्योंकि मरने वाले के बालों पर आपको जो सफेद रंग का पाउडर मिला है ना, वो और कुछ नहीं है, मार्बल का चूरा है। मार्बल का चूरा? फिर तो हीरानगर की संगमरमर की दुकानों में एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। सर आज ना तो संडे है ना कोई त्योहार है, फिर ये मार्बल का गोडाउन बंद क्यों पड़ा है? कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि शायद उन्हें भनक लग गई थी किसी आईडिया आने वाली है। सर लगता है यही कहीं चिपके बैठे होंगे। ढूंढो जरा। ये घर यहां? चलो अंदर देखते हैं। लगता है हमारे आने से पहले सब भाग गए यहां से। जरा तलाशी लो यहां। सर यहां पे तो मेज और कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं, लगता है सारे सबूतों के साथ वो लोग भाग गए। सिवाय इसके वो ये पेपर जलाना चाहते थे, मैं पूरी तरह से जला नहीं। इस पे तो कुछ नाम और नंबर लिखे थे। इस नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है और खत्म होता है E-E-R। रणवीर तो नहीं? रणवीर ये नाम इस केस में पहले भी सुना है। अरे हाँ उस आदमी का नाम भी तो रणवीर है। इसका नाम उस लिस्ट में है जिन्हें ये तलवार खरीदने में दिलचस्पी है। इसका मतलब सर उस तलवार की चोरी में रणवीर का हाथ है? वो भी पता चल जाएगा। बहुत चल रणवीर जी, हमें पता चला है कि महाराणा प्रताप की जो तलवार चीमा म्यूजियम से चोरी हुई थी, आपका मानना है कि वो तलवार आपके पूर्वजों की है और आपने कई बार कोशिश की थी कि वो तलवार आपको वापस मिल जाए। हो तो अब समझ में आया कि आपकी यहाँ आने की वजह क्या है। आपको क्या लगता है कि वो तलवार हमने चुराई है? ठीक है आप हवेली की तलाशी ले सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। जाहिर सी बात है रणवीर जी कि आप इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि तलवार चुराने के बाद उसे आप अपने हवेली में छुपा के रखेंगे। जबान संभाल के बात करिए ऑफिसर, आपको कोई हक नहीं बनता हमें चोर कहने का जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। ठोस सबूत है हमारे पास,
ये कागज, इससे क्या होता है? इस कागज पे आपका नाम लिखा हुआ है रणवीर जी। तो उससे क्या हो जाता है? उससे ये साबित होता है कि वो तलवार आपने चोरी करवाई है, क्योंकि ये जला हुआ कागज का टुकड़ा हमें उन लुटेरों के अड्डे से मिला जिन्होंने शायद आपके कहने पे वो तलवार चुराई। बेकार की बात है, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनका नाम रणवीर है, तो आप हम पे कैसे शक कर सकते हैं? माना कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका नाम रणवीर है, मगर उस तलवार में दिलचस्पी रखने वाले आप एक लौते रणवीर है। अरे रणवीर साहब, आपको तो पसीना आने लगा। अरे भाई, इन्हें ठंडा पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, क्योंकि कुंवर साहब को जेल में ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। शक्ल क्या देख, जाओ जल्दी लो। गो गो। जेल? हमने कुछ नहीं किया, हम जेल नहीं जाएंगे। सच क्या है, जल्दी बताओ। देखिए, हमें किसी का फोन आया था, वो हमसे पूछ रहा था कि हमें अपनी शाही तलवार खरीदने में कोई दिलचस्पी है या नहीं। फिर? आप तो जानते हैं वो तलवार हमारे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए हम वो तलवार खरीदने के लिए राजी हो गए। ये जानते हुए भी कि वो तलवार चोरी की है? जी। कब खरीदने वाले हैं आप ये तलवार? जी आज शाम 6 बजे ब्लू डेजर्ट होटल में। होटल ब्लू डेजर्ट? बोलिए, किससे मिलना है? शायद पहचाना नहीं है आपने हमें, रणवीर नाम है हमारा, वो शाही तलवार का सौदा करने आए। ये कौन है? ये हमारे शाही सेवक है, दीमक राम। दीमक राम, ये कैसा नाम है? बचपन में इनके दिमाग में दीमक लग गया था, तब से दीमक राम नाम पड़ गया इसका। बैठिए। आपकी तारीफ? शाही तलवार की कशिश इन्हें भी यहाँ खींच लाई, पर आप दोनों में से जो ज्यादा मोटी रकम देगा तलवार उसकी। ज्यादा मोटी रकम तो हम ही देंगे, खानदानी रईस जो ठहरे। वैसे वो शाही तलवार कहीं दिख नहीं रही। हर असीन चीज को देखने का एक मुहूर्त होता है, और वो मुहूर्त तभी आएगा जब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। सही बात है, सही बात है। आप रणवीर जी हैं? बेशक। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम वनराज, आपके और हमारे पिताजी बचपन में मित्र हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, हो सकता है। वो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं आप। खैर, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पुरानी दोस्ती की खातिर हम ये शाही तलवार आपको ऐसे ही ले जाने दें। ये शाही तलवार तो हम ही लेके जाएंगे वनराज जी, आप बस बोली लगाई। 30 लाख? 40 लाख? 50 लाख? करोड़? 1 करोड़? क्या वो वनराज जी, लगाइए लगाइए, उस तलवार के लिए तो 2 करोड़ रुपए भी कम है। ठीक है, 2 करोड़। चलिए आपका भी मान रखते हैं, 5 करोड़। 5 करोड़? अंदाज जी, आप सोच भी नहीं सकते कि शाही तलवार की क्या अहमियत है हमारे लिए। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, तलवार रणवीर जी की हुई। चलिए अभी के अभी पैसे आप लोगों के अकाउंट में डलवा देता हूँ, मगर दिल की तसल्ली के लिए उससे पहले एक बार हम वो शाही तलवार देखना चाहेंगे। ठीक है मुन्ना, तलवार लेके। वैसे आपने ये सही नहीं किया, ये तलवार तो हमारे खानदान के भी बहुत करीब हुआ करती थी। अरे जी, आपने वो कहावत सुनी है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक तलवार का 2 खरीदार नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही खरीदार होता है। ये रही शाही तलवार। अब आप हमारे अकाउंट में पैसे डलवा सकते हैं। बिल्कुल। पता है आदमी कौन है? रणवीर जी। रणवीर नहीं, दया। सीआईडी ऑफिसर दया है। दया? वो दरवाजा तोड़ने वाला?
जो थप्पड़ मारता है? हाँ, वो दांतों से पियानो बजाने वाला। हाँ हाँ, क्या देख रहे हो, भागो। निकल। कम जी। बस, बस, बस। अब आ गए तुम दया के हाथ में। दरवाजा तोड़ने वाला, थप्पड़ मारने वाला, दांतों से पियानो बजाने वाला, हाँ? तो तैयार हो जाओ पियानो बजवाने के लिए, हाँ? रोहित कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं है। वो तलवार किसके कहने पे चढ़ाई तूने? कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं? रेडी, जरा मदद करो इनको याद करने में। ये लीजिए सर, नेक काम में देरी कैसी। अजी कब से आप यहाँ पे? हाँ यार, एक बहुत जरूरी खबर देनी है। वो महाराणा प्रताप की जो तलवार थी, जो म्यूजियम से चुराई गई थी, वो तलवार नकली है। क्या नकली है? तेरे चेहरे का रंग तो बिल्कुल नहीं बदला, तो जानता था वो तलवार नकली है। ना, मुझे मालूम था कि वो तलवार नकली है। तो वो नकली तलवार तूने चुराई क्यों? किसी के कहने पे चुराया साहब। किसके कहने पे? वो देख, यहाँ पे अगर इन सब ने थोड़ी थोड़ी मेहनत की तुझे याद दिलाने में, तो तेरा क्या हश्र होगा मैं कह नहीं सकता। भला इसी में चुपचाप बता दे, तलवार किसके कहने पे चुराई? वो क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहां से? कोई तो तरीका होगा ना निकलने का। दे खाना खा ले। मुझे जाने दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? तुझे जाने देना या ना जाने देना मेरे बॉस के हाथ में, समझा? जा खाना खा ले। क्या करूं? लगता है उन लोगों ने किसी और को भी कैद करके रखा है। Help, कोई बचाओ मुझे। Help. अंकल आप कौन हो? तुम कौन हो? मैं रोहित, इन लोगों ने मुझे भी आह्वान के रखा था। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल कैसी गलती? अभी बताने का वक्त नहीं, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो तुम तो हर तरफ तबाही तबाही होगी। तुम कल चलो। नहीं, यहाँ यहाँ से नहीं, बाहर उन लोगों ने पहरा लगा रखा हो। ये भी ठीक है, खिड़की से। बेटा मगर हम लोग दूसरे माले पे। चदरे, तो अंकल ये चदरे कब काम आएगी? चलो अंकल जल्दी। आप लोग, तलवार का कुछ पता चला? बड़ी फिगर है तुम्हें तलवार की? परवाह तो होगी ही, आखिर महाराणा प्रताप की तलवार थी। झूठ झूठ कह रहे हो तुम। वो तलवार जो यहाँ रखी थी वो महाराणा प्रताप की नहीं, बल्कि नकली तलवार थी। नकली तलवार? ये क्या कह रहे हैं आप? बस बनकर अपना ढोंग। हम जानते हैं कि तुमने वहां पे नकली तलवार रखी और फिर यहाँ से उस तलवार को चोरी करा के तुमने ये सारा नाटक रचा ताकि तुम पे कोई शक ना आए। देखिए, आपको इस तरह से मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ये लड़खड़ाती जबान से साबित होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। चोरी तुमने कराई है, अब सच सच बता दो वरना सच बुलवाना हमें आता है। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, दरअसल तलवार मैंने ही चुराई थी, लेकिन सर इस म्यूजियम पे हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब सच बाहर निकला, अब ये बता कि रोहित कहाँ है? कौन रोहित? लगता है तुम्हारी याददाश्त वाकई कमजोर हो गई है, याद दिलाना पड़ेगा। ये है रोहित, कहाँ पे है? सर मैं इस लड़के को नहीं जानता,
देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कसूर है कि मैंने तलवार चुराई थी सर, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, प्लीज। इस बूढ़ा को पता था कि तलवार नकली है तो फिर उसने तलवार चोरी क्यों कराई? इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो यहाँ तलवार नहीं बल्कि कुछ और चोरी करने आए थे। जिस वक्त यहाँ चोरी हो रही थी वो क्लोज सर्किट कैमरा चल रहा था? जी सर। वंश, कल की फुटेज लाओ। सर। ये देखा तुम लोगों ने? ये एक लुटेरा उधर जाके खड़ा हो गया उस तरफ, तभी दूसरे ने इधर जाके उस क्लोज सर्किट कैमरे पे गोली चला दी। और उधर तो साइंस सेक्शन है। हाँ सर, वहां पर नए नए आविष्कारों का सामान रखा जाता है। नए आविष्कार? इधर आओ। ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ सब कुछ पहले जैसा है कि कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर, सब कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक नहीं है। ये देखो, खून की बूंद। ये खून की बूंद यहाँ कैसे आई? सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कहाँ से आई। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता तो ये तो पता होगा कि ये क्या है। ये डॉक्टर गिरीश का बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस है। ये देखिए, पूरा डिवाइस बदला गया है। लुटेरे असली डिवाइस ले जाके नकली डिवाइस रख दिया। इस डिवाइस में ऐसी क्या खास बात है? सर, ऐसा कुछ भी खास नहीं है इसमें। कुछ तो खास है, वरना वो यहाँ नहीं खड़ा होता। ये डिवाइस तुम्हें डॉक्टर गिरीश ने खुद ला कर दिया था? नहीं सर, उनकी तो मौत हो चुकी है, उनका बेटा है नितिन, उसने दिया था। इंटरेस्टिंग। इस नितिन का एड्रेस देना जरा। सर, ये नितिन दरवाजा नहीं खोल रहा है, कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं है? अंदर चल के देखते हैं। नितिन, नितिन, नितिन! लगता है यहां हाथापाई हुई है, जरा घर की तलाशी लो जल्दी। नितिन, सर नितिन तो नहीं है। क्या हुआ? सर कुछ नहीं। ओह, लगता है वही लोग नितिन को जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले गए जिन्होंने म्यूजियम से वो खास डिवाइस चुराई थी। सर, शायद उन्हें वो डिवाइस इस्तेमाल करने नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसे उठा के ले गए ताकि वो उन्हें सिखा सके। हाँ जी, क्या कौन सा न्यूज चैनल? ओके, या न्यूज लगाना जल्दी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मुझे ये बताते हुए बेहद खेद महसूस हो रहा है कि इस धरती पे आप सबकी जिंदगी गिनी चुनी ही बची है। ना सिर्फ ये शहर बल्कि ये पूरा देश जल्द ही एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा, जहां हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी, हर तरफ मौत ही मौत छाई रहेंगी। तो जाइए, पूरी कर लीजिए अपनी आखिरी इच्छाएं, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है। सर, ये आदमी कौन है जो पूरे देश को खुलेआम धमकी दे रहा है? जरूर इसका कुछ ना कुछ संबंध है इस म्यूजियम वाली चोरी के साथ। हेलो, रोहित, रोहित, रोहित बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे मम्मी डैडी कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे घर पे? अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। अंकल, कौन मारना चाहता है? देखो बेटा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर? सर ठीक से तो पता नहीं, पर शायद श्याम नगर के पास। हाँ, हेलो 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 रोहित, अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? सर
श्यामनगर तो यहाँ से काफी दूर है, हम लोग श्यामनगर पहुंचेंगे कैसे? ये फोन तो जाम हो गया, हमें किसी भी तरह अभिजीत को कांटेक्ट करके उसे बताना होगा ताकि वो जल्द से जल्द श्यामनगर पहुंच सके। चलो अंकल, वैसे इतनी आवाजें क्यों आ रही है? हाँ बेटा, मुझे भी बहुत सारी आवाजें आ रही है। बेटा ये सब सिर्फ शुरुआत है, बहुत जल्द सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मगर ऐसा क्यों अंकल, और बिजली कब आएगी, तुम कैसे जाएंगे बाहर? अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करो ना अंकल। नहीं नहीं बेटा, डरो मत। मगर रोहित, ये कोई मामूली पावर कट नहीं है, आधे शहर का बिजली का सामान नष्ट हो चुका है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रेडिएशन की वजह से फोन, प्लेन्स, कार्स, कंप्यूटर्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन किसने किया ये सब और कैसे हुआ? बेटा कुछ हद तक इस सब का जिम्मेदार मैं भी हूँ, अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती ना तो आज ये सब नहीं होता। कुछ नहीं अंकल, एक काम करते हैं, हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, हम दोनों को बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी, और सीआईडी अंकल भी पहुंचते ही होंगे। हम चलो ढूंढो उन्हें, देखो यहीं कहीं छुपे होंगे, जल्दी जल्दी। वो बुरे लोग पहुंच गए हमारा पीछा करते करते। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें हम? तुम सुनो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर रुक के उनका सामना करता हूँ। नहीं अंकल, मैं आपके साथ ही रहूंगा, और वैसे भी सीआईडी अंकल पहुंच ही रहेंगे। नहीं बेटा, तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओ, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तुम क्या करें अंकल, एक सेकेंड। बेटा संभाल के, बेटा रोहित, अब समझ में आया उन लुटेरों ने वो ईएमपी डिवाइस उस म्यूजियम से क्यों चुराया होगा। क्यों चुराया होगा सर? ताकि वो इस शहर को ऐसे अंधकार में डाल सके वंश, यही प्लान था उनका। इस मुश्किल से इस शहर को निकालने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसका रास्ता तो अब उसी इंसान के पास है जिसके पास ये डिवाइस है, वो इसे इस्तेमाल करना भी जानता है और इसे नष्ट करना भी। इस अंधेरे ने हमारी मुश्किल और बढ़ा दी है, तो बेचारा बच्चा रोहित, उसे ढूंढना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। उसे भी ढूंढेंगे हम, और इस शहर को इसकी जगमगाहट वापस लौटाएंगे। वो देखिए, कोई हमें अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा है। आने के कहीं इशारा वो बच्चा रोहित तो नहीं कर रहा? आओ देखते हैं। चलो चलो। क्या सोचा था तुमने? हमसे बच पाना इतना आसान नहीं, वापस ले जाकर तुम्हारा हाल कैसे बनाते? नहीं नहीं झूठा मैं। हलवा तो तुम्हारा सीआईडी बनाएगी, सीआईडी वो भी बिना शक्कर का। थैंक यू सीआईडी अंकल। इट्स ओके रोहित, आप घबराइए नहीं। अंकल इन्हें कुछ भी मत करना, इन्हें भी इन बुरे लोगों ने पकड़ के रखा था। वंश, रोहित को घर ले जाओ, तब तक हम इनकी खातेदारी करते हैं। बाय नितिन अंकल। बाय बाय। अब बता, तुम लोग इस शहर के साथ क्या करना चाहते थे, बोल। हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, निखिल सही से बता दे, अपनी ज़बान खोल ले, वरना तो सोच भी नहीं सकता तेरा क्या हाल होगा, समझा? सर हमें कुछ भी नहीं पता। अभी बताओगे तो। सर 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 इन्हें वाकई में कुछ नहीं पता है। एक मिनट, कहीं तुम डॉक्टर गिरीश के बेटे नितिन तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना आपने सर, मुझे एक्चुअली इसलिए पता है क्योंकि इनके बॉस ने मुझसे जबरदस्ती एक ईएमपी डिवाइस बनवाया जो बहुत जल्द इस शहर को नहीं बल्कि इस देश को भी नष्ट कर देगा सर। ईएमपी डिवाइस? यस सर। नितिन ये ईएमपी डिवाइस कहाँ रखा है तुम्हें पता है, और इनका बॉस कौन है? सर मैंने सिर्फ उनकी आवाज सुनी है, कभी उनका चेहरा नहीं देखा सर। चेहरा नहीं देखा? हेलो जी अभिजीत सर, सर रोहित हमें मिल गया है। जल्दी करो, अगले 10 मिनट में सरे हविजा जमीन पे होने चाहिए। यस सर, बस 3 फ्लैट्स हवा में, बाकी सब कैंसिल कर दी गई सर। हाँ जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। सर प्लेन का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बंद हो गया होगा। मैं जानता हूँ, तीनों प्लेन लैंड कर रहे थे और हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अगर तीनों प्लेन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए तो बहुत बड़ा क्रैश होगा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब हम क्या करें सर?
जल्दी से 2A मैसेज भेजो रेडियो पे। मगर संदेश कैसे भेजेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि अगर क्रैश हुआ तो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा। मैं जानता हूँ सूरज, इस मुश्किल के समय में हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं उन मासूम लोगों के लिए जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हवा में झूल रहे हैं। सर यही वो जगह है जहां उस डिवाइस पे मुझे काम करने के लिए लाया गया था जिससे ईएमपी ब्लास्ट हो। कुछ बड़ा करने का मकसद है इन लोगों का। कंट्रोल रूम उस तरफ है। ओ, आ गए मिस्टर अभिजीत। तो तुम हो इस सब के पीछे है? हाँ मैं हूं। मैं आने में बहुत देर कर दी तुमने। अभी अभी मैंने तो मिसाइल छोड़ दी, अब थोड़ी ही देर में इस देश के सारे सैटेलाइट्स नष्ट हो जाएंगे और चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा ही अंधेरा और हो जाएगी तबाही ही तबाही। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? इस मिसाइल को रोक दो, रोक दो इसे। कोई तो तरीका होगा इसे रोकने का। मेरे पास है ना तरीका, मेरे पास है, आई नो मेरे पास है तरीका, लेकिन वो तरीका मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। सर तू बेहोश हो गया, मिसाइल को कैसे रोकेंगे? सर नितिन कुछ करो तुम। नहीं ये सर, ये सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 45 सेकंड बचे हैं, कुछ करो जल्दी तुम। सर एक तरीका, अगर मैं इस मिसाइल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकूं तो कुछ बात बन सकती है। मतलब मिसाइल अपने आप को नष्ट कर दे अपनी शक्ति से? यस सर, ऐसी कुछ। ओह माय गॉड सर, ये मशीन पासवर्ड मांग रही है। पासवर्ड? पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड तो आदमी से रिलेटेड कुछ होता है, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम। सर इसका नाम विनोद है। ये सर जल्दी करो, 30 सेकंड बाकी है। नहीं सर, ये 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मांग रहा है। कहीं मिसाइल तो नहीं लिखा? एक सेकंड। नो सर ये भी नहीं है, जल्दी करो। तो उसके बेटे की फोटो, शेखर अपने 21वें जन्मदिन पे। शेखर, शेखर टाइप करो जल्दी। यस सर। सर सिर्फ 15 सेकंड बाकी है सर। Oh my God, सर हो गया। हेलो क्या? My God, ठीक है हम कुछ करते हैं। क्यों सर? खतरा भी टला नहीं है, 3 जहाज अभी भी हवा में है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका कांटेक्ट टूट गया है, कभी भी क्रैश हो सकते हैं। अब क्या होगा सर? कुछ भी करके हमें वहां पे बिजली वापस लानी होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इलाके में बिजली लानी होगी हमें। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अभी किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए सर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बेवकूफी वाली बात मत करो,
कोई भी प्लेन इस टावर में क्रैश कर सकता है और तुम सबकी जान जा सकती है। परवाह नहीं सर, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए, मगर हम अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। मुझे तुम सब पे गर्व है बॉयस। जल्दी से जल्दी तीनों प्लेन को लैंड करो। राइट। हेवली लैंडिंग हो चुकी सर। वेरी गुड, गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब। हमेशा से मेरा एक ही मकसद था, इस देश की तबाही, और उसके लिए मैंने नितिन का इस्तेमाल किया। मैंने उससे एक ऐसा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला डिवाइस बनवाया, जो क्या कर सकता है वो तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। लेकिन उस डिवाइस के इस्तेमाल के लिए मुझे एक कंपोनेंट की जरूरत थी, और वो कंपोनेंट म्यूजियम में पड़ा हुआ था। लेकिन उसी नितिन की मदद से हमने तुम्हारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। हाँ, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे उस नितिन को फौरन मार देना चाहिए था। कम से कम इस देश को तबाह करने का मेरा सपना तो पूरा हो जाता। लेकिन इस देश से इतनी नफरत की वजह क्या है? इस देश ने मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। मेरा बेटा शेखर आर्मी में था, वो इस देश की सेवा उसका धर्म था, लेकिन किसी ने उसकी परवाह की? किसी ने कोई परवाह नहीं की। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में वो सड़क पर पड़ा रहा, लहूलुहान तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। और मेरा शेखर, मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर गया। मेरा शेखर मर गया। अब आप ही बताइए, मेरा वो बेटा जो अपनी देश के लिए जान देना चाहता था, कैसी बात का हकदार था वो, बताइए ना। मुझे अब भी लगता है कि इस देश को तबाह हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए। शेखर के साथ जो कुछ हुआ उसका अफसोस है हमें, लेकिन कुछ बुजदिल लोगों की सजा पूरे देश को देना, ये कहां का इंसाफ है? तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.